हेलो गाइस, मैं शेखर रजक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भोपाल से। आज मैं आपको ये जो सिलाई मशीन कटर है जो इसके बारे में जानकारी दूंगा। ये इसका कवर है, ये कवर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक जगह है। ये देखिए, इसमें ब्लेड है, इसको ब्लेड बोलते हैं, ये घूमता है, इसी से कटते हैं कपड़े, यहाँ से जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए लगा दिया कि बच्चे लोग हाथ ना डालें इसमें। ये मेरे पास आया है, ये पूरा बंद है क्योंकि टोटल बेड है, मैं लगा रहा हूँ। ये इसका स्विच है, इसका मैन लिट ठीक है, मैंने चेक कर लिया है, ये स्विच भी ठीक है। अब इसमें क्या है, अंदर खराबी है, अंदर जो मोटर जो है, इसमें मोटर जो है, ये मिक्सर की मोटर लगी हुई है इसके अंदर, इसमें मिक्सर की मोटर लगी हुई है। ये देखिए, ये 245 वाट है, ये इसके वोल्टेज दिए 230, ये मॉडल नंबर है। तो इसके आरपीएम जो होते हैं, वो मिक्सर के जो भी आरपीएम होते हैं वो 2400 के करीबन होते हैं, तो 2400 आरपीएम करीबन है। ये चाइनीज मोटर है, तो आइए इसको खोल के देखते हैं। इसमें विशेष प्रकार की लगती है या टूल से लगते हैं, जिसको बोलते हैं एल की। ये दो प्रकार की लगती है इसमें, एक तो लगेगी आपको ये यहाँ पर चेक करने के लिए, ये खोलने के लिए नट। ये देखिए, इस टाइप से खुल जाते हैं। ये अभी टाइट कर दूँ क्योंकि मैं यहाँ खोल के देख चुका हूँ। और दूसरा ये यहाँ पर ये लगे हुए हैं, इनको खोलने के लिए जब ये मोटर बाहर आएगी तो ये देखिए, मैंने भी ढीला कर दिया है। ये देखिए, एक मिनट, ये निकल गया, दूसरा ये निकल गया। ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये इसमें आयल डालने के लिए है, लुब्रिकेशन के लिए, यहाँ से लुब्रिकेशन के लिए आयल डाला जाएगा तो इसके लिए। तो कटर खोलने के लिए भी इसकी चाबी आती है, ये खुल जाता है, ये कटर निकल जाता है, इसको खोल के बाहर निकाल दिया जा सकता है, पर अपन को उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। मेन इसका है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। इसको ढीला करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे खुलता है। ये फंसा हुआ है यहाँ पर खेत में, ये यहाँ से निकलेगा, ये इसका आर्मेचर है, ये आर्मेचर है इसका, ठीक है, बेयरिंग लगी हुई है खराबी। ये फील्ड कॉइल है इसकी, टू पोल की है ये मोटर, हमेशा मिक्सर की मोटर टू पोल की ही रहती है, तो ये कंटिन्यूटी अपना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज आ ही नहीं रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो आइए इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए यहाँ, ये देखिए, ये जो लगे हुए हैं इसको खोलना पड़ेगा, कैसे यहाँ कार्बन लगते हैं, इसको इनको खोलना पड़ेगा चेक करने के लिए। दूसरा ये इससे, देख के इसकी फील्ड कॉइल को चेक करना पड़ेगा। देखिए, ये है, ये देखो, ये नीचे सीरीज वाला बल्ब बता रहा है, यानी ये कॉइल तो ठीक है। अब ये वाली कॉइल चेक करना है, तो ये नीचे से तो खुला नहीं है, अभी ऊपर से ही चेक कर देते हैं इसको, ख़राब क्या है, खराबी देखना है अपन को। ये भी ठीक कॉइल है, यानी आपकी फील्ड कॉइल दोनों ओके हैं। अब फॉल्ट आता है यहाँ पर, तो फॉल्ट में आपको एक चीज़ बता दूँ, ये ऐसा तो ओपन तो हो ही नहीं सकता है, ये कुछ ना कुछ बताया गया पर अभी कुछ भी नहीं बता रहा। तो इसके लिए मेरे को ये लग रहा है कि इसमें कार्बन जो है, कार्बन सही काम नहीं कर रहे हैं, तब भी ये कंडीशन होती है। देखिए, कार्बन छोटा हो जाएगा तो भी काम नहीं करेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, इसके कार्बन को बदला जाएगा।
अभी चेक करते हैं पहले खराबी कहाँ है, ये पहले पता लगाना, उसके पहले इसको प्राथमिकता देना है। ये मैंने फटा इसको, ये फैल गया, अब इसको इसमें डालूंगा, पहले इसको लगा दूँ। इसके ये स्लिप पहना है इसमें, इसके बाद इसको लगाएंगे ये ऐसा। अब देखिए ये अंदर का जो कार्बन है ये फंस रहा है, ये फंसेगा इस पर, अपन कुछ भी बैठा लेंगे तो ये फंसेगा, तो इसके लिए क्योंकि ये निकला नहीं टाइट है इसलिए इसको अपन ने इससे बैठा लिया। अब इसको बैठा लेते हैं, ये देखिए ये मैंने निकाला फंसे से बैठ गया अपनी जगह पे जाके। अब ये अपन को अभी चेक करना है, इसको कंप्लीट तो करना नहीं है, थोड़ा सा टाइट कर देते हैं जिससे सही ढंग से बैठ जाए, ये बैठ गया अभी। अब इसमें कार्बन डालेंगे वापस, ये कार्बन चला गया, ये स्प्रिंग, इसके बाद इसको टाइट कर देंगे। देखिए ये टाइट तो कर दिया, अब ये बताना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, ये मेन लीड है इसकी, इसको लगा के चेक कर लेते हैं। सीरीज में लगाया मैंने और ये अभी कसा नहीं है, खुला पड़ा है, इसको यहाँ लगाएंगे, ये लगा दिया, अभी चेक कर रहे हैं अपन। ये देखिए ये काम करने लगा, ये स्पार्किंग ज़्यादा कर रहा है, देखिए ये देखिए आप ये घूमने लगा, ये सीरीज में चल रहा है अभी, डायरेक्ट नहीं है सीरीज में। तो इसमें खराबी क्या थी, एक तो इसके कार्बन खराब होने से भी ये फॉल्ट बनेगा, कभी कभी ये कार्बन जो है ना छोटे पड़ जाते हैं, ये आर्मेचर तक नहीं पहुंचते, कभी ये कार्बन जो है ना आर्मेचर तक नहीं पहुंचते तब भी ये काम नहीं करता। ये आज ये ज़्यादा स्पार्किंग हो रही है तो इसका मतलब कार्बन या तो ढीले हो गए या स्प्रिंग ढीली हो गई, उसको टाइट करना है, फैला देना है, थोड़ा सा बैठा देना है, ये हो जाता है। दूसरी चीज़ कभी कभी क्या होता है, ये सब करने के बावजूद भी जब रहता है तो आर्मेचर ख़राब होता है, आर्मेचर कोई किस थोड़े बहुत टर्न दो चार टर्न शॉर्ट हो जाए तब भी ये ओवरलोडिंग होने लगती है, हीट भी होती है ये, और स्पार्किंग बहुत ज़्यादा स्पार्किंग करती है। एक फॉल्ट तो ये हो गया, दूसरा फॉल्ट इसकी जो फील्ड कॉइल है, यदि फील्ड कॉइल भी शॉर्ट हो जाती है तब भी यही कंडीशन बनेगी कि ये स्पार्किंग करेगा, बहुत ज़्यादा स्पार्किंग करेगा और धुआं भी छोड़ने लगेगा, तो आप समझ जाएगी इसकी फील्ड कॉइल। आप फील्ड कॉइल खुद भी बना सकते हैं या बाजार से भी बनवा सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, वो भी बताऊंगा किस तरीके से बना, तो पहले से नहीं बता, तो ये इस तरीके से ये काम करती है, आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम किया जाता है इसमें, इसकी मेथड भी आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।